यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तो कोरोना की वजह से 6 महीने से बंद पड़ा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क अब खुल गया है, मगर पार्क खुलने से पहले ही ढीला और झिरना जोन पूरी तरह से फुल है। चाहे वो ऑनलाइन बुकिंग हो या फिर ऑफलाइन, हर तरह से कॉर्बेट पार्क के ये जोन पर्यटकों से फुल है। लॉकडाउन में सब घर ही घर में रह रहे हैं तो मेंटल स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, तो यहाँ आकर जो आपको ग्रीनरी मिल रही है, एक नेचुरल एयर मिल रही है, स्ट्रेस फ्री है एंड वाइल्ड लाइफ इज वेरी मच एडवेंचरस थिंग, तो वो सब देखने आए हैं। वहीं कर्णप्रयाग में पुल नहीं होने से ग्रामीणों के सामने परेशानी खड़ी हो गई है। आलम यह है कि ग्रामीणों ने खुद ही नदी पर लकड़ी का पुल तैयार किया है, मगर प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। जरा सोचिए, अगर नदी पार करते समय कोई हादसा हुआ तो क्या होगा? तस्वीरें कर्णप्रयाग की हैं। 2013 की आपदा में पिंडर नदी पर बना पुल बह गया था, तभी से ग्रामीण नदी पर बने इस पुल के सहारे नदी पार करते हैं। इसमें वो बह जाता है, उसके बाद फिर उनको ट्रॉली की सहारा लेना पड़ता है। ट्रॉली भी कभी चलती है कभी नहीं चलती है, कभी इसी दौरान हमारे वहाँ 3-4 आदमी ट्रॉली में फंसे रहे 2-2, 3-3 घंटे तक। फिर भी शासन ने हमारे पुल को स्वीकृति देने के लिए भी स्वीकृति भी नहीं हो पाया है। नदी पार करने के लिए ग्रामीणों ने जैसे तैसे लकड़ी का ये पुल बनाया है। इस पुल से गुजरते हुए हर पल जान का खतरा बना रहता है। ग्रामीण जान जोखिम में डालकर नदी पार करते हैं, मगर बड़ा सवाल यह है कि अगर कोई हादसा हो गया तो जिम्मेदार कौन होगा? गुस्साए ग्रामीणों ने अब 2022 के चुनाव के बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। साथ के आते ही हमारी बड़ी दिक्कत हो जाती है, हमारे जो कि बीमार लोग जो भी है, कोई गर्भवती महिला है, छोटे बच्चे, अवन की स्कूल के विद्यार्थी भी हमारे यहाँ से आवागमन करते हैं, अब उससे भी वंचित रह जाते हैं, जिससे कि हमारे जो भी होने वाली आगामी जो पौध है वो प्लायन के कगार पर। ग्रामीण परेशान हैं, मगर अधिकारियों के पास वही रटा रटाया जवाब है। टोली है वर्तमान में, वो गतिमान है, टोली चल रही है और टोली तब तक चलेगी जब तक वो पैदल पुल बन नहीं जाता, उसके बाद ही हम टोली को बंद करेंगे। टोली के मैंने टोली बीच में खराब हो गई थी, उसको ठीक करा दिया। डीपीआर बनाने के लिए डिजाइन के लिए मिलता है पैसा, उसको मैंने भेज दिया है और ये 5 फरवरी 2020 को मुख्य अभियंता महोदय टोली के द्वारा अपर मुख्य सचिव लोक शासन को चल गया स्वीकृति के लिए। 2013 की आपदा को 7 साल बीत गए हैं, मगर पिंडर नदी पर क्षतिग्रस्त हुआ पुल बन नहीं पाया है। पुल पार करते समय कोई हादसा हो सकता है, लेकिन अधिकारियों को इससे कोई लेना देना नहीं है। कर्णप्रयाग से जितेंद्र पवार की रिपोर्ट, एबीपी गंगा।